और आम तौर पर जो है माँ बाप से ये गलती होती है कि वो बचपन में जो उम्र उनकी तरबियत की होती है, जो उम्र उनको सिखाने की होती है, तो उस उम्र में बच्चे अगर कोई नादानी करते हैं या कोई गलती करते हैं तो बड़े सब घर के ये कहते हैं कि अभी बच्चा है, अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है वो हमारे लिए बुनियाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बे इंतहा मोहब्बत फरमाते हैं। अहादीस की किताबों में आता है कि कभी आप नमाज पढ़ते थे तो हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आपके पीठ पर बैठ जाए। नमाज में भी आप जो है बच्चे जो है खेलते थे, अभी भी होता है, तो आप उनको कुछ मना नहीं फरमाते थे, इतनी मोहब्बत थी। एक मरतबा हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु कहीं से सदके का खजूर आया और हजरत हसन ने जो है वो खजूर उठाया और अपने मुंह में डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी और आपने फरमाया कख कख, यानी अरबी का जुमला जैसे हम बोलते हैं तुम तो जैसा कहते हैं, तो फौरन उनके मुंह में से खजूर को निकाला और कहा कि बेटे हम हाशमी हैं, हम सैयद हैं, ये सदके का खजूर नहीं खाना चाहिए। हजरत हसन बिल्कुल छोटे। तो इससे हमको यह पैगाम मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यह पैगाम दिया कि इस उम्र से ही उनकी जो है निगरानी होनी चाहिए, उनकी तरबियत होनी चाहिए, छोटी सी गलत बात पर उनको टोकना चाहिए। हमारा क्या है, बच्चा अगर गाली दे दे तो नाना नानी दादा दादी सब खुश हो जाते हैं, एक बार बोलो और एक बार बोलो क्या बोला, और सबको सुनाते हैं बच्चा जो क्या बोल रहा है और फिर उसको लेकर लाल करते हैं। बच्चों को लगता है कि भाई ये चीज़ अच्छी है। आमतौर पर ऐसा होता है, बच्चे ने गलत जुबान इख्तियार किया उसको टोकना चाहिए। शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल अहमाद जिनके लिखे हुए हम जिनको पढ़ते हैं, अल्लाह जिनको शेखुल हदीस का खिताब मिला हुआ, 50 साल से ज़्यादा अरसे तक उन्होंने हदीस बुखारी शरीफ को पढ़ाया। उन्होंने वो अपना एक वाक़या लिखते हैं कि मुझे मेरे अम्मी ने तकिया बना कर दिया। तरबियत किस उम्र में होना वो मैं आपको बताना चाहूँ, बच्चों पर रोक टोक कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूँ। हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह खुद अपना वाक़या लिखते हैं कि मैं छोटा था, मुझे तकिया बना के दिया और वो तकिया मुझे बहुत पसंद था, मैं उसे हर वक्त अपने साथ लेके रखता था। बच्चे छोटे, घर में कोई चीज़ दी जाए तो वो खुश होकर साथ में रखते हैं। तो फरमाया कि एक मरतबा वालिद साहब को आराम करना था और तकिया नहीं मिल रहा, तो मैंने फौरन तकिया लाया और खुश होकर और मैंने अपना तकिया अपने वालिद साहब को दिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपना दिल निकाल कर ले लिया। और बात मैंने अपने वालिद से कहा, बजन ये मेरा तकिया है, ले लीजिए, ये मेरा तकिया है, ले लीजिए। हजरत शेख फरमाते हैं कि वालिद साहब ने एक चपत मुझे मारी और कहा कि तेरा कहाँ से हुआ, अभी से मेरा तेरा करता है। तो हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी जान से अजीज चीज़ मैंने अपने वालिद साहब को दे दी, इन्होंने मेरी तारीफ करनी चाहिए थी और इन्होंने मुझे चपत लगा दी। लेकिन फिर फरमाते हैं कि आज जब मैं ये वाक़या लिख रहा हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे वालिद जो है कितनी बारीकी की नज़र रखते थे, कैसी तरबियत मेरी की उन्होंने। और जो वालदैन अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करती है तो दुनिया में शेखुल हदीस के नाम से जानती है। उनकी लिखी हुई किताब फ़ज़ाइल अहमद, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान घर होगा जहाँ पर ये किताब ना पढ़ाई जाती हो, न पढ़ी जाती हो, इल्ला माशाअल्लाह।
अक्सर घरों में जो है फजाइल आमाल की तालीम होती है, वो कुर्बानियां तरबियत की दीवाला जाएंगी। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की तरबियत बचपन ही से करें, और तालीम एतबार से, तरबियत के एतबार से हम अपने बच्चों की फिक्र बचपन से करेंगे। बचपन का इल्म जो होता है वो बच्चों के दिलों पर नक्श हो जाता है, और जब वो बड़ा बनता है तो वो सारी चीज़ें उसे याद आती हैं। आम तौर पर अगर पुराने बड़ी उम्र में कुछ लोग मिलते हैं तो वो फिर अपने पुराने ज़माने को याद करते रहे, हम स्कूल में जाते थे, फला जगह खेलते थे, फला जगह जाते थे, तो वो बचपन की चीज़ें वो सारे के सारे चूँकि नक्श होती है तो वही चीज़ें बाद में याद आती हैं। अब इन छोटे छोटे बच्चों को हम ईमान सिखाएंगे, उनके अकीदे को हम मजबूत करेंगे, तो ये फिर बड़े होने के बाद कोई भी इन पर मेहनत करे तो इनके ईमान पर कोई डाका नहीं डाल सकता। इनका ईमान महफूज रहेगा, इनके अकायद महफूज रहेंगे। बचपन ही से उनकी हमको फिक्र करने की ज़रूरत है। ये जगह जगह जहाँ पर सर्वे का काम किया जा रहा है उसमें हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और ये सोचें कि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मुल्क के हालात, मुल्क क्या बल्कि पूरे दुनिया के हालात कब कौन सा रुख इख्तियार करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अल्लाह की मार हमारे ऊपर पड़ती जा रही है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि इन हालात में भी हम गुनाहों से बाज आने के बजाय हम गुनाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने देखा कि चंद सालों पहले शादियों में खुराफात से काफ़ी लोग बचे थे, इल्ला माशाल्लाह कहीं पर बाजे गाजे की आवाज़ आ रही थी चंद सालों, 10-12 साल पहले, 8-10 साल पहले, लेकिन ये 2-4 सालों में देखने में आ रहा है कि लोग शादी ब्याह के मौके पर इतने धूम धड़ाके कर रहे हैं कि अल्लामान अल्लाफिज अल्लाह सब की हिफाजत साहब। अल्लाह के अहकाम को तोड़ कर हम खुश कैसे रह सकते हैं? अल्लाह के अहकाम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को पामाल करके हम अपने घरों में बरकतें कैसी ला सकते हैं? हम अल्लाह को राज़ी करने में एक सेकंड ज़ाय नहीं करते। जिम्मेदार समझदार लोगों के पास बाजा गाजा बज रहा, क्यों भाई? ने मैंने तो बहुत सख्ती से मना किया, बच्चे नहीं मानते, हमारी घर की औरतें नहीं मान रही। बच्चे इसलिए नहीं मान रहे कि जो उम्र उनकी तरबियत की थी उस वक्त हमने तरबियत नहीं की। अभी जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं बड़ी उम्र के, हम आप सब, आप सभी हम शामिल हैं उसमें, अगर हमारे घर के बच्चे बिगड़े हुए हों तो हम उनसे कहा जाए कि बच्चों को ये समझाओ, तो मैंने बहुत समझाया, थक गया समझा के मैं, न घर की औरतें मान रही न बच्चे मान रहे, भुगते ही हम क्या करना थे? उनके अमाल उनके साथ, हमारे अमाल हमारे साथ। हजरत नूह अलैहि सलाम अपने बेटे को नहीं संभाल सके, अपने बेटे को नहीं बचा सके, वो कुफरी की हालत पर चला गया, तो हम कौन होंगे अपने बचाने वाले? दोस्तों ये बातें शैतान हमारे दिमाग में डालता है। हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपने बच्चे पर 900 साल मेहनत की थी, पूरी उम्र पर मेहनत की थी, हम बगैर मेहनत के कह रहे हैं कि वो हम क्या करना उसको। और एक बात बारीक नोटा देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो मैंने पहले आयत पढ़ी थी उस आयत में अल्लाह ताला ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आग से बचाने के लिए कहा। अगर दुनिया में कहीं पर आग जल रही हो और हमारा बच्चा उस तरफ जा रहा हो तो हम इस पर इत्तेफाक करते, माने बहुत बोला दी बच्चे को, नहीं माना क्या करोगे, जल गया हो भुगतने दो, हम क्या करेंगे, हम ऐसा है, हम तो सारी चीज़ें छोड़ के पहले उसको बचाने के लिए चले जाए। तो अल्लाह ताला तो उस आग से बचाने के लिए कह रहे जिसको पत्थरों से लोगों के जरिए से दहकाया जाए। तो जिम्मेदारी समझ कर, ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला मुझसे सवाल करने वाले हैं, मुझसे पूछने वाले हैं कि औलाद की तरबियत क्यों नहीं की, घर की माओ बहनों की तरबियत क्यों नहीं की, महल्ले की तरबियत क्यों नहीं की, अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में अगर रहेगा
तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत से नवाज देंगे और हमारे बच्चों को अहलवायान को भी जो है हिदायत से नवाज देंगे। अल्लाह की अजमत हमारे दिल में होना चाहिए। अब देखिए, घर में कोई बीमार हो जाए, हम बीमार हो जाए और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया हो तुम्हारा बीपी बढ़ गया, फिर बताया तुम्हारा शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है, फिर शुगर बढ़ा इसलिए आज से तुम्हारी शक्कर बंद, बीपी बढ़ गया आज से तुम्हारा नमक बंद, नमक कम से कम खाओ, नहीं खाए तो बेहतर। अब हम जहां जाते हैं मेहमानदारी में, दोस्तों में, चाय आते नहीं मुझे शुगर बगैर शक्कर की चाय, हम फौरन रुक जाते हैं, क्यों मैं बगैर शक्कर की क्यों? फिर अपने हमारे डॉक्टर साहब बहुत काबिल तरीके डॉक्टर हैं, वो उन्होंने कहा है कि मुझे शुगर लेवल मेरा बढ़ा हुआ है और मैं शक्कर नहीं खा सकता। नमक कम क्यों खा सालन में भाई? सालन सामने आ गया नमक था भाई, मेरे को बीपी है मैं नमक नहीं खा सकता, फिर साहब के लिए दूसरा सालन बगैर नमक का बनाया गया। अगर उनसे कहा जाए कि थोड़ा खा लो क्या फर्क पड़ रहा है, तो नहीं नहीं डॉक्टर साहब ने मना किया, बहुत भारी डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि अगर तुम खाओगे तो तुम्हारी हालत खराब हो सकती है, तुम और भी हो सकते, अल्लाह को प्यारे भी हो सकते। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि एक काबिल तरीन डॉक्टर ने हमारा चेकअप किया, मुआयना किया और उस रिपोर्ट के अंदर उसने हमसे कहा कि तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तुम्हारा जो है हार्ट का लेवल बढ़ा, बीपी जो है तुमको हो गया है, तुम ये नहीं खाना, तो हम पाबंदी से उस पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, बेईमानी मत करो, हम धराधर कर रहे हैं। तो अल्लाह की अजमत का है हमारे दिल में, डॉक्टर की अजमत है ना हमारे दिल में, और लग रहा है कि खतरा अभी हमारी जान को आ सकता है, जो चंद सालों की जिंदगी है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताख़िरूना सा'अतन वला यस्तक़दिमून, कि जब किसी की मौत आएगी तो एक लम्हा भी हम आगे पीछे नहीं होने देंगे, मौत तय है, और मौत के बाद की जो जिंदगी आने वाली है वो अबदुल आबाद जिंदगी, हमेशा हमेशा के रहने वाली जिंदगी। तो मेरा दिल दोस्त और बुजुर्गो, अल्लाह का डर हमारे दिल में हो तो हम खुद भी डरेंगे। और फिर एक मकाम पर एक बात कहकर अपनी बात को मैं खत्म करूँ, एक मकाम पर अल्लाह ताला ने कुरान में बाद में फरमाया वह अमूर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने अहलो आयाल को नमाज का हुक्म दो और आप भी पाबंदी से पढ़ो। इसमें पहले अल्लाह ताला ने कहा है कि हुक्म दो पहले अपने अहलो आयाल को, उसके बाद दूसरा हुक्म कहा कि तुम भी पाबंदी करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम पाबंदी के बगैर बच्चों को कहेंगे अरे नमाज पढ़ो, तो बच्चों ने तुम बोल से नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ के बच्चों को कहेंगे चलो नमाज पढ़ो, तो कहेंगे हम बाहर नमाज में जाते हैं जिससे नमाज पढ़ना पड़े। हम बच्चों को बड़े बड़े झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, हम झूठ भी बोल रहे हैं बेईमानी भी कर रहे हैं, तो बच्चों पर उसके असरात नहीं पड़ेंगे। और एक बात सुन लीजिए कि जो लोग अल्लाह को नाराज करके दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों को उन पर मुसल्लत कर देते हैं। अब आदमी क्या करता है कि बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए कारोबार को बढ़ाता है, अब उस कारोबार को बढ़ाने के चक्कर में झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, धोखा देता है, अल्लाह को नाराज करता है, और जब बाद में क्या होता है जब वो बुरा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह को नाराज करके आगे बढ़ाता तो अल्लाह ताला क्या करते, जिन लोगों की वजह से उसने अल्लाह को नाराज किया उन्हीं को उनके ऊपर मुसल्लत कर देता था।